प्रदेश के फिशरी विभाग द्वारा बिलासपुर जिला के गोविंद सागर झील के साथ कॉल डैम झील में किया गया ट्राउट उत्पादन का ट्रायल सफल रहा है, जिससे अब यहां से ट्राउट की सप्लाई की जा सकेगी। खास बात यह है कि जहां ठंडे वातावरण में मछली को बड़ा होने में 14 से 15 महीने का समय लगता है, वहीं कॉल डैम झील में मात्र 4 महीने में ही ट्राउट फिश आधा किलो वजन के लगभग तैयार हो जाती है। मत्स्य विभाग ने ट्रायल के दौरान बिलासपुर के कॉल बांध झील में 72 लाख की लागत से 24 केज कल्चर स्थापित किए थे, जिनमें 30,000 के करीब ट्राउट फिश का बीज डाला गया था और जो कामयाब हुआ है। विभाग की माने तो पहले प्रदेश के कुल्लू, मंडी और चंबा में ही ट्राउट का उत्पादन होता था, लेकिन देश के महानगरों में बढ़ रही हिमाचली ट्राउट फिश की मांग को पूरा करने के लिए विभाग ने इसके उत्पादन को बढ़ाने में काम किया है। आपको बता दें कि देश के गिने चुने राज्य जैसे हिमाचल, जम्मू व उत्तराखंड में ही ट्राउट फिश की फार्मिंग की जाती है और हिमाचल में सालाना 600 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन होता है। ऐसे में विभाग के प्रयास इसके उत्पादन को सफल बनाने में देखे जा रहे हैं। ट्राउट फिश की खासियत ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैट एसिड भरपूर मात्रा में होने से ये हार्ट के मरीजों के लिए रामबाण का काम करती है और फिश में अन्य प्रोटीन भी बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्यामलाल शर्मा ने बताया कि सर्दियों के ट्रायल के बाद अब गर्मियों में भी बीज डाला जाएगा। अगर ये सफल हुआ तो इसी झील में ट्राउट ब्रीडिंग केंद्र भी बनाया जाएगा। अच्छा, मेरा नाम चमलाल शर्मा है जी। बाकी हमारे को 6 महीने लगभग यहाँ पे होने जा रहे हैं। बाकी ये हमारे ट्राउट मछली का जो है यहाँ पे मतलब वो किया गया प्रोजेक्ट तैयार है। इस टाइम हमारी जो मछली है लगभग तैयार हो चुकी है, तकरीबन आधा किलो 300 ग्राम 350 ग्राम के लगभग जो है तैयार हो गई है मछली। बाकी चलो सप्लाई भी चालू है हमारे यहाँ पर, तो लेकिन कुछ कारण है अपने लॉकडाउन की वजह से जो है कि इस कारण की वजह से थोड़ी सप्लाई हमारी इसमें सप्लाई में जो है रुकावट आ रही है। यहाँ पे जो नया प्रोजेक्ट था यहाँ से हमारे कोल डैम में जो है इसका ट्राउट का, तो इसका रिजल्ट अच्छा है। जो भी हमारे जो भी आए वैज्ञानिक